बचानो खुदा को, देखो तुम्हारे कासिम को, बचानो खुदा को, देखो शैतान के बाला को, बचानो खुदा को, देखो इमाम आजम को, बचानो खुदा को, देखो इमाम मालिक को, बचानो खुदा को, देखो इमाम अहमद बिन हंबल को, बचानो खुदा को, देखो इमाम शाफई को, बचानो खुदा को, देखो गौसे आजम को, बचानो खुदा को, देखो करीम नवाज को, बचानो खुदा को, देखो गाजी पाक को, बचानो खुदा को, देखो सादिक पाक को, बचानो खुदा को, देखो वली से पाक को, बचानो खुदा को, देखो आला हजरत को, बचानो खुदा को, देखो हजरत इस्लाम को, बचानो खुदा को, देखो मुफ्ती आलमगीर को, बचानो खुदा को, देखो मुजाहिद मिल्लत को, बचानो खुदा को, फाइनल जुमला कह देता हूं, देखो पखरावा के हबीब मिल्लत को, बचानो खुदा को। तो हम अपने किस्मत पे नाज करते हैं और वो लोग इसमें से ज्यादा नाज करे जिन्होंने मुजाहिदे मिल्लत को देखा है। इसलिए शेख सादी ने यूं नहीं कह दिया था, इसलिए कहा था पीरे कामिल सूरत सिलेना, जिसने किसी मर्दे कामिल को देखा वो या उसने अल्लाह को देखा। तो मेरे अजीज, ये मेरा नसीबा है, ये मेरा मुकद्दर है कि हम अपने नसीबे पे नाज करते हैं, मुजाहिदे मिल्लत को ना देखा, लेकिन मुजाहिदे मिल्लत के खलीफे उमर हबीबे मिल्लत को देखा है। और एक बड़ी पहचान ये होती है कि जब किसी अल्लाह वाले को देखो ना, तो देखने के बाद क्या होता है, अब मैं थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ ताकि बात समझ में आ जाए। आप किसी फिल्मी स्टार को करीब से देखेंगे तो आपके जहन में क्या बात आएगी, ये वो शख्स है जिसने पूरी दुनिया घूमा होगा, लंदन ये गया होगा, पेरिस ये गया होगा, अमेरिका ये गया होगा, इसके बाद 200-500 करोड़ का बंगला होगा, इसके बाद हाई लग्जरी गाड़ी होगी, लेकिन आप कभी फौज नहीं खाएंगे, आप कभी करेंगे नहीं, आप किसी सेलिब्रिटी को देखेंगे, आपने किसी क्रिकेटर सेलिब्रिटी को देख लिया, जब आपने किसी सेलिब्रिटी को देखा, देखने के बाद दिमाग में आएगा बड़ी दौलत है, बड़ा माल है, बड़ा पैसा है, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जब हुजूर हबीब मिल्लत की बारगाह में जाने वाला जाता है, सलाम करने के बाद न उसे गाड़ी याद रहती है, न बंगला याद रहता है, न पैसा याद रहता है, ईमानदारी से बताया जाए वहाँ जाने के बाद याद क्या रहता है, तो हर जाने वाला एक ही जवाब देगा, उनकी बारगाह में पहुंचने के बाद न गाड़ी याद आती है, न पैसा याद आता है, न बंगला याद आता है, तुम्हें तो क्या याद आता है, जवाब मिलेगा अल्लाह के मकबूल बंदे हैं, बारगाह में पहुंचने के बाद सिर्फ अल्लाह ही याद आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।